अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉर्मल लेटर राइटिंग। इससे पहले हमने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग पढ़ा है, उसके लिए फॉर्मेट और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल से भी अब तो फॉर्मल लेटर्स जो होती हैं ये फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड चेयर होल्डर्स, ठीक है। या आप कभी कभार आपने कुछ कंप्लेंट मैंशन करनी है, कन्वे करनी है किसी डिपार्टमेंट को या किसी ऑफिसर को, एंड देन यू आर यूजिंग द कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, तो उसके हिसाब से वहाँ पे भी आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। तो व्हाट इज़ नाउ फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग में यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, यू आर शहनवाज ऑफ तहगाम कुपवारा। देखो यही आपको लेटर लिखनी है किसको, न्यूज़पेपर के एडिटर को। आपको शिकायत करनी है अबाउट द न्यूसेंस जो मतलब परेशानी की है किन्होंने, बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मल लेटर राइटिंग टाइम आपको अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है, वो सब किस में होगा, क्वेश्चन में। फर्स्ट आपको एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस वही उसमें जो मेंशन किया हो वही एड्रेस देना है। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग एन एड्रेस यू हैव टू राइट डेट, बट द डेट शुड बी रिटन इन अ फॉर्मल मैनर। उसके बाद आप रिसीवर का नाम लिखेंगे और किस से भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे आप, एड्रेस, देन इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग एड्रेस डेट, उसके बाद आप रिसीवर का नाम लिखेंगे किस से आप भेज रहे हैं और उसका एड्रेस। फिर लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर सर, मैडम, जिसे आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आपको कहाँ से निकालना है, जो लेटर में दिया गया होता है उससे निकालना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स आर द न्यूसेंस के क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, वो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद बॉडी, बॉडी जो है लेटर की, इट यू हैव टू राइट इट इन टू टू थ्री पैराग्राफ्स। टू टू थ्री पैराग्राफ्स में लिखेंगे आप, उसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आपको ये भी जहन में रखना है कि इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी कॉन्साइज। उसके बाद आपने ये भी इसमें आपको मैनली कौन सा मेंशन करना है, रीज़न मेंशन करना है, कौन सा रीज़न कि जो लेटर में क्वेश्चन में दिया गया हो, हाँ वो आपको डिटेल में लिखना है। मैंने पहले ही बताया टू टू थ्री पैराग्राफ्स में लिखना है, वही रीज़न देना है। उसके बाद जब आप बॉडी ख़त्म करेंगे, देन यू हैव टू राइट थैंक यू। थैंक यू के बाद आप जब ये लिखेंगे यू वॉज सेंसियरली, तब आप नाम देंगे। नाम भी आप जैसे मैंने अभी दिखाया आपको इसमें एग्जांपल में, यू आर शहनवाज, तो आपको वो नाम देना है, ना कि आपको अपना देना है, ठीक है। ये आप वो ये इसमें एड्रेस, नेम ऑफ सेंडर, नेम ऑफ रिसीवर, उसका एड्रेस, ये सब किस में दिया गया होता है, ये सब क्वेश्चन में मिलेगा आपको। और बस आपको क्या है, रीज़न भी वहाँ ही है, सब्जेक्ट भी वहाँ ही है, और आपको थोड़ा सा बॉडी को खोल के लिखना है, सही से लिखना है और फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो बाय टुमारो मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।